आज मेरी रेडिएशन का सेवंथ डे है एंड आई फील धीरे 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 स्वेलिंग जो है वो बढ़ रही है एंड डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। हाय यू गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। नया दिन, नई सुबह। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर स्पेसिफिक मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ, क्या चीजें हैं जो मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड की हैं और क्या चीजें हैं जो मैंने अपनी डाइट से हटा दी हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I just want to say कि ये जो डाइट मैं फॉलो करती हूँ ये कोई एक्सपर्ट डाइट नहीं है, और अगर आप इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर पूछ लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। और कैंसर जो है वो बहुत डिफरेंट तरह का होता है। कुछ चीजें होती हैं जो कुछ कैंसर में बेनिफिशियल होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो किसी और कैंसर में बहुत नुकसान भी दे सकती हैं। सो डिपेंड्स ऑन अगर आपकी कीमोथेरेपी हो रही है या रेडियोथेरेपी हो रही है या आपकी सर्जरी हुई है। सो डाइट जो है वो इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज छोटी सी भी गलत चीज अगर आप खा लोगे तो कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी लो होती है, दे आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ अदर इन्फेक्शंस। उन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सो आई हैव डन माय पर्सनल रिसर्च अबाउट व्हाट आई कैन ईट एंड व्हाट आई कांट ईट, एंड आई हैव आस्क्ड ऑल माय डॉक्टर्स। आई हैव 4 डिफरेंट डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग मी, प्लस देयर आर सम डाइटिशियंस हु आर फॉलो। इन सब लोगों की ओपिनियन को ध्यान में रख के आई हैव फिगर्ड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड ईट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुडंट ईट। और जब भी मैं कोई नई चीज ऐसी देखती हूँ जो मुझे यू नो आई जस्ट कम अक्रॉस समथिंग विच इज गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स, आई ऑलवेज आस्क माय डॉक्टर दैट दिस इज व्हाट आई रेड, शुड आई हैव इट। सो माय डाइट इज वेरी स्पेसिफिक टू माय कैंसर एंड टू माय बॉडी। आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी टू शेयर व्हाट इज द स्पेशल डाइट दैट आई फॉलो व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। सो हियर इट इज। सबसे पहले जो मैं सुबह उठते ही पीती हूँ ऑन एन एम्प्टी स्टमक, दैट इज दिस टी। This is basically a tea of Simaruba leaves या फिर लक्ष्मी तारू जिसे कहते हैं। This leaf is supposed to cure cancer and it boosts immunity in cancer patients. तो इसको basically 4-5 पत्ते में रात को boil कर लेती हूँ पानी में और उसे overnight छोड़ देती हूँ, उसके बाद सुबह उसको strain करके then I drink it. Normally मैं इसके बाद थोड़े से dry fruits खाती हूँ जो मैं भिगा के रखती हूँ रात को, few walnuts, almonds, black raisins, figs. But अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, so I'm just gonna go to the gym and come back and eat. Time for breakfast. मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं और अभी मैं खा रही हूँ 2 अंडे का चीज ऑमलेट विथ 2 बटर टोस्ट, और इसके बाद मैं खाऊंगी एक मैंगो। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट एवर सिंस आई हैव गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर आई हैव बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, सो आई नीड टू पुट ऑन वेट एंड आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अच्छे से खा रही हूँ। इसलिए मैंने चीज डाला है अपने एग में, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो हेंस द एग्स। देयर अ लॉट ऑफ बटर ऑन माई टोस्ट एंड माई सिस्टम इज अग्रीइंग वेरी वेल टू द हैवी डाइट दैट आई एम ईटिंग। मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड यूजुअली लोग फ्रूट्स पहले खाते हैं, मील बाद में खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मैंगो पहले खा लूंगी तो मेरा पेट भर जाता है और फिर मैं ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट पहले खाती हूँ और फ्रूट्स बाद में खाती हूँ। बेटा अभी मामा को हॉस्पिटल जाना है ना ट्रीटमेंट कराने। नहीं। निकल गए हम लोग फिर से रेडिएशन कराने के लिए और आज हम लोग टाइम पर निकले हैं, लेट नहीं हुए हैं। और अबाउट द डाइट, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम अवॉइडिंग। आई हैव बीन टोल्ड टू कम्प्लीटली अवॉइड डेयरी, काउ, बफलो मिल्क नॉट अलाउड। उसकी जगह मैं ओट मिल्क, आमंड मिल्क पी सकती हूँ। तो ओट मिल्क कॉफी मैं काफी बार पी लेती हूँ, बट आमंड मिल्क आई जस्ट डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट। एंड सोय मिल्क ऑल्सो, रेडियोथेरेपी के जो डॉक्टर है उन्होंने बोला है बिल्कुल सोय अवॉइड करना है टिल द टाइम द रेडिएशन इज गोइंग ऑन एंड 1 month आफ्टर दैट, तो वो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। सोया इज लाइफ लॉन्ग, शुगर, रेड मीट एंड सोया इज लाइफ लॉन्ग। शुगर, व्हाइट शुगर, रेड मीट एंड सोया लाइफ लॉन्ग मुझे नहीं खाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर, तो जितना कंट्रोल हो सकता है मैं करूंगी, बट फिलहाल तो एब्सोल्युटली नहीं खा रही हूँ। व्हाइट शुगर बिल्कुल बंद है, ओनली उतनी व्हाइट शुगर जारी है जितनी की चीजों में होती है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट हैड ब्रेड, तो ब्रेड में चीनी होती है उतनी मैं खाती हूँ, बट आई डोंट हैव शुगर इन माई कॉफी, आई डोंट हैव शुगर, शुगरी डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, केक्स, ये सब मैं नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी। शुगर इसलिए अवॉइड करने को कहा जाता है, और मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में काफी, दैट कैंसर सेल्स जो होते हैं दे फीड ऑन शुगर। सो आप जितनी शुगर बॉडी को दोगे कैंसर सेल्स उतना प्रॉस्पर करते हैं। सो इफ यू आर अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट व्हाइट शुगर इज एन एब्सोल्यूट नो नो। डेयरी क्यों नहीं खानी होती है वो मुझे ज्यादा पता नहीं है, व्हाई नॉट, बट आई एम जस्ट लिस्निंग टू द डॉक्टर।
guys, that's Dr. Shweta. She's one of the doctors on the panel for my radiation. And main theek kar rahi hu na? Yes. Pakka? Yes, sure. Kuch tareef mein mere do shabd. She's really very good in holding her breath during radiation. See? So good. Thank you. मेरी रेडिएशन हो गई है और आज ऑफिस में काफ़ी काम है, स्क्रिप्ट लिखनी है, नींद आ रही है बहुत, इसलिए मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है. मैं स्टारबक्स आई हूँ कॉफ़ी पीने के लिए. बट टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ कोल्ड ब्रू विच इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ मिल्क एंड एनी काइंड ऑफ शुगर. टॉकिंग अबाउट डाइट, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा खानी है, कंज्यूम करनी है, एंड दैट इज कैफीन. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई कैन हैव अ लॉट ऑफ कॉफी, बिकॉज व्हेन यू यूज द वर्ड कॉफी आई वाज लाइक अरे यार अब कॉफी भी बंद कर देंगे क्या, कंज्यूम क्यों. बट नो, आई एम अलाउड कॉफी एंड आई एम अलाउड अ लॉट ऑफ कॉफी. मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूं और मैंने थोड़ा बहुत एडिट का काम किया है एंड इट्स अबाउट 12:30 राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग हंग्री. लंच में करूंगी करीब 2 बजे, तो अभी क्या खाया जाए उसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है एंड दैट इज कुकीज दैट आई हैव विच आर कम्प्लीटली शुगरलेस. इसमें डेट्स हैं, इसमें जैगरी है, एमरेंथ फ्लावर है एंड अ लॉट ऑफ अदर गुड थिंग्स. आल्सो हैव सम चॉकलेट्स विच आर कम्प्लीटली शुगरलेस. Gonna have it. Snacking is extremely important right now because bhooke nahi rehna hai, starve nahi karna hai apne aap ko, so that the energy level is maintained. And I'm also working along with the radiation, to office aana, shooting karna, all these things require a lot of energy and I get tired very fast. So I'm trying to eat as soon as I feel hungry without giving a minute's gap, so that my energy levels don't drop. But again, keeping in mind what I'm allowed and what I'm not allowed. अभी मैं पी रही हूँ चिया सीड्स एंड कोकम एंड रोस्टेड हेम्प सीड्स. इससे क्या होता है, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट रेगुलेट्स द एसिडिटी एंड इट्स अ कूलेंट फॉर द बॉडी. तो ये मैं हमेशा पीती हूँ 12:30-1 बजे के आसपास. आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 1:20 हो गया, बहुत लेट हो गया. आज मेरी रेडिएशन का 7th डे है एंड आई फील धीरे 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 स्वेलिंग जो है वो बढ़ रही है एंड डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है और टाइटनेस बहुत बढ़ रही है एंड नथिंग इज कम्फर्टेबल. वेयरिंग क्लोथ इज नॉट कम्फर्टेबल, नॉट वेयरिंग क्लोथ इज नॉट कम्फर्टेबल. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज इट एज वेल एज आई कैन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच. एक स्क्रिप्ट मैंने लिख दी है थोड़ी सी, अभी लंच खाऊंगी. लंच में मैं खा रही हूँ दूधी और चने की दाल और साथ में सैलेड विच इज बेबी कॉर्न एंड ब्रोकली एंड येलो जुकीनी. कच्चा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ. तो द सैलेड इज ऑल्सो अ लिटिल स्टर फ्राइड बिकॉज व्हेन यू आर अंडरगोइंग रेडिएशन और कीमो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है एंड यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. सो टू अवॉइड इन्फेक्शन नथिंग रॉ, कच्चा प्याज नहीं खा सकती मैं एंड आई एम ईटिंग अ लिटिल बिट ऑफ चिकन, नॉट टू मच, जस्ट टू कीप इट लाइट सो माई बॉडी कैन डाइजेस्ट इट. और साथ में है नाचनी की रोटी. Trying to avoid gluten again to keep it as light as possible. हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देसी घी जो मैं हर मील में थोड़ा सा खाती हूँ. लाइक आई सेड आई हैव बीन लूजिंग वेट एंड ऑल्सो यू नो अंदर से बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, ताकत रहे. लाइट खाना खाने के बावजूद ताकत रखना जरूरी है, सो दैट्स व्हाई देसी घी इज इम्पोर्टेंट. और ये एक चीज है जो मैं दिन में एक बार जरूर खाती हूँ. दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बीटरूट पाउडर, कोकोनट क्रीम, फ्रेश कोकोनट ग्रेटेड, पीनट पाउडर आई एम पुटिंग इन. आई एम ट्राइंग टू ईट एज मच ऑफ सुपर फूड्स एज पॉसिबल. अब हम नॉन वेज, मुझे चिकन अलाउड है, फिश अलाउड है, लेकिन रेड मीट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एटलीस्ट टिल द टाइम द रेडिएशन इज गोइंग ऑन एंड 1 month आफ्टर दैट. और वेज में मुझे मेथी और पालक नहीं अलाउड है बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेडिएशन के इफेक्ट जो है वो काउंटर कर देती हैं. सो आई कांट हैव ऑल दैट. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं इनफ पानी पीऊं दिन में. और फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा सडनली फीलिंग रियली टायर्ड, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाई डाउन फॉर 10 minutes एंड गेट बैक टू वर्क. नहीं यार, लेटने का टाइम नहीं है, बहुत काम है. काम करती हूँ, आई मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ कॉफी बिफोर आई सिट डाउन टू फिनिश माई वर्क. आज मेरा एक लाइव सेशन है युवराज सिंह की कैंसर फाउंडेशन के साथ एट 4 o'clock विद यूवी कैन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. सो आई हैव अबाउट 1 hour टू डू सम वर्क. लेट्स गेट टू इट. In terms
terms of the medication and supplementation, मुझे एक cancer med है जो 10 साल तक every day एक pill खानी होती है. That is basically hormone therapy. And this is my Regenix, which is more or less like B complex. And this is iron. I also have calcium. I'm not on any other medicines. It's 5:15 now in the evening. तो मैं खाने लगी हूँ एक ये ना और ये special लड्डूज हैं जो मेरी मॉम ने मेरे बनाए हैं. ये सत्तू के लड्डू हैं. इसके अंदर बहुत सारा देसी घी है और चने का जो बना हुआ सत्तू होता है वो है and a lot of dry fruits. And for sweetness, it has dates and figs and black raisins. You know, I've realized where there's a will, there's a way. और अगर आप actually चाहो खाना पीना कंट्रोल करना तो बहुत अच्छे से कर सकते हो. There are a lot of tasty options even with restricted diet. And I love bananas. Okay, अभी 7:45 बजा है और आज ऑफिस में काफी डिले हो गया है. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट राइट नाउ. आई जस्ट वांट टू गो होम एंड हैव डिनर एंड गो टू बेड. आई थिंक अनदर 10 मिनट्स वी शुड बी एबल टू लीव. Finally, we are on the way home and my energy is really dropping. I think I'm extremely hungry probably. अभी 7 बजा है. मैं जाते ही खाना खा लूंगी. Oh God, चक्कर आ रहा था literally. इतनी भी energy नहीं थी कि dining table पे बैठ के खा लूँ. I told him just give me the food here. I'm eating dal, rice and arvi chops and there's zucchini and capsicum salad. Icing कर रही हूँ. बहुत दर्द हो रही है. सो मेरी एनर्जी वापस आ चुकी है और अब सोने से पहले आई एम अ लिटिल हंग्री अगेन. सो आई एम गोइंग टू ईट सम पोम्फ्रेट फ्राई एंड सैलेड. मैंने उस टाइम नहीं खाया था तो सैलेड मैं अब खाऊंगी. और चीजें जो डॉक्टर ने बिल्कुल मना की हैं इज अल्कोहल. ही सेड अ लिटिल बिट ऑफ वाइन वंस इन अ वीक इज ओके बट नॉट मोर देन दैट. नॉट दैट आई एनीवे ड्रिंक मोर देन दैट बट इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि जो हीलिंग है बॉडी की रेडिएशन के बाद वो बहुत स्लो हो जाती है और फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ यू ड्रिंक स्मोक एंड बेसिकली नॉट फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस. तो मैं अपनी तरफ से सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रही हूँ और जहां तक हो सकता है हेल्दी खाना खाती हूँ. बट आई एम नॉट वेरी रिजिड अबाउट इट. आई वुड से आई एम फॉलोइंग ऑल दिस टू अबाउट एन 80% एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग वन विद छवि. मी साइनिंग आउट व्हाइल ईटिंग माई बोम बिल. लव एंड पीस फ्रॉम यूट्यूब.